नॉकआउट ही हुए हैं जनाब ने उतनी देर में। लक्ष्मी से बीटीआर का यहाँ पे खात्मा कंफर्म हो चुका है। दो प्लेयर बचे थे, दोनों प्लेयर एक एक करके मैंने देख लिया। ओके सोल वाइपर कमिंग्स के यहाँ पे किल सील करी, लक्ष्मी को पिक ऑफ किया। अब धीरे धीरे मूड बन रहा है यहाँ पे। जब आपका पूरा स्क्वाड मर चुका है, एक्सक्यूएफ यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है मूव करने के लिए। आरआरक्यू का सीनियर यहाँ पे देखेगा आप लोगों, जोन के अंदर मूव कर रहे हैं। नोवा ईस्पोर्ट्स के दो प्लेयर है बैंडेट और ओएस ने यहाँ पे पैराबॉय को पिक ऑफ करा। एंड यस दे आर ऑल सेट टू डोमिनेट। अब तीन प्लेयर यहाँ पे एक्सक्यूएफ के नॉकआउट करते हैं, ओएस ने यहाँ पे निकाला है यहाँ पे। अब बस किल कंफर्म करें अपने, और यहाँ पे बीआरके का फूसी ने यहाँ पे नॉक करके फिनिश करा 69 लाशन को। एंड सोलो वेस का यहाँ पे किल कंफर्म हो चुका है, कूल बॉय को जो उसने नॉक करा था, किल आ गया अपने पास। एंड पैराबॉय को भी मार दिया। यस सोलो जस्ट प्रूविंग देमसेल्फ, सर्कल उनके हिसाब से चल रहा है। एसएसजी के अभी भी दो प्लेयर बचे हैं यहाँ पे, सिक्स बट अब आरआरक्यू भी यहाँ पे क्लोज इन कर रहे हैं। यहाँ पे मिडटेक ने उसको नॉकडाउन करा, अब देखते हैं मिडटेक उसका किल तो कंफर्म कर लेगा, बट लेट्स सी वाइपर अगर वहाँ पे किल निकाल सकता है। एंड ये निकाल लिया उसने किल। एंड जी9 को यहाँ पे नॉकडाउन करा एसएससी सिक्स ने, जो अपने गेम एग्रेसिव गेम प्ले के नाम पे जाना था। ओवेस के यहाँ पे एक ग्रेनेड फेंका उसने, जो कि यहाँ पे नॉकडाउन हो सकता है ओवेस। एंड लकीली वो विंडो के वहाँ पे टैप होके बाहर चला गया। एंड यहाँ पे ओवेस नॉकडाउन हो सकता है। एंड एक प्लेयर और वहाँ पे बैठा हुआ उसी सेम रूम में। एंड देखते हैं यहाँ पे कैसे आरआरक्यू क्लोज इन करता है, बिकॉज डी2 ही वहाँ पे प्रोन डाउन हो चुके हैं रॉक के पीछे। दिस थिंग इज नॉट इजी फॉर rest of the team because Soul के पास एक अच्छी position है। TPP जो game का mode है, अगर अब use करने में लगे then वो काफी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे nade अच्छा, किया flash, यहाँ पे flash किया। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे चाहते हैं कि रौनक आगे push करेंगे। यहाँ flash हो चुका है यहाँ पे D2, अगर right left कहीं से भी निकला तो वो knock हो सकता है। यहाँ पे एक grenade होता उसकी जगह तो सोचो D2 पक्का knock होता है। पीछे से zone का भी damage पड़ता, हालांकि वो भी zone में है but bleed out जल्दी होगा। BRK का squad उनके पास military में वो लोग कूदे थे, यहाँ पे military zone बनाए, उनके पास high ridge भी है। देखते हैं अगला zone कहाँ पे बनता है। Soul के ऊपर बना तो they will दूसरे सिमिलर कंपाउंड एडजेसेंट कंपाउंड में वहां पे जेएन है और बैंडेट जिंदा है। एयर ड्रॉप यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन है, मेरे ख्याल से कोई टीम यहाँ पे जाना नहीं चाहेगी, सबके पास अपने अपने कवर है। बीआरके के पास यहाँ पे एडवांटेज है बिकॉज दे हैव दोज इंपॉर्टेंट स्नाइपर, ओम है उनके पास, M4 है, AKM है, सारे दे आर वेल पैक्ड वेल इक्विप्ड, लेवल 3 हेलमेट है, लेवल 3 वेस्ट है। अब बस उनको भी अपना जोन और जो अपना जो कवर है वो होल्ड करना है। एंड ये दो टीमें जो नीचे की हैं, अपनी जो सोल है एंड बीआरके, वो अब यहाँ पे डोमिनेट कर रही है, बाकी सारी टीम्स यहाँ पे मर चुकी हैं। अब जो नया सर्कल है, सर्कल के अंदर अभी भी सोल के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज है, तो डी टू के अकेले प्लेयर जो आरआरक्यू के डी टू उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी सीधा इंस्टेंटली उन्होंने पुश किया, जूसी को पता है ये ऑल इन है, बट उनको नहीं पता उनके कंपाउंड पे एक ही प्लेयर है और है दूसरी टीम का जो नोवा का है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, बट एसएसजी दे जस्ट ट्राइंग। सक्सेस ने कल भी काफी अच्छा गेम दिखाया था एंड आई होप कि आज भी वो सेम गेम प्ले यहाँ पे दिखा पाएंगे। साथ वाली बिल्डिंग के अंदर दो प्लेयर है और के बीआरके फुल एग्रेशन के साथ आए, गाड़ी के अंदर उन्होंने ठोका। अब यहाँ पे टीपीपी लेने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पे इंपैक्ट दिखा पाएंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल। और सवाल तो यही पता चलेगा, ओवेस को पता है कि उनके कंपाउंड पे अटैक हो चुका है, अब टीपीपी दिखाने का असली मूड यहाँ पे आ चुका है। ओके रौनक ने निकाला बराको को एंड यहाँ पे क्लोज इन फाइट दिखती हुई, यहाँ पे सोल ने यहाँ पे ओवेस ने फिनिश करा, पीछे से और दो प्लेयर आते हुए मिर्तेक आया एंड रौनक नॉकडाउन हुआ, पीछे से ओवेस के कवर पर दो प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन करे, फिनिश करे। सोल गॉट दोस इंपॉर्टेंट किल, सात किल यहाँ पे निकाल चुकी है। नोवा स्पोर्ट्स है यहाँ पे उनके पास वाले कंपाउंड में, वाइपर यहाँ पे शायद एसएससी सिक्सलेस को निकालेगा बिकॉज शेक के पीछे ही वो स्मोक बॉल के खड़ा है एंड वाइपर यहाँ पे अपने प्लेयर्स को यूनाइट करेगा। एंड आरआरक्यू डी2 ही अभी भी जिंदा है, इस प्लेयर को निकालना पड़ेगा वरना ये प्लेयर बहुत बड़ी खतरे की घंटी ला के खड़ी कर सकता है। बस यहाँ पे होल्ड योर फिस्ट एंड सारी टीम्स यहाँ पे अपने सोल के कंट्रोल में है, बस यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना है। नोवा जेएन को यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज पड़ता हुआ, काफी डैमेज मिला यहाँ पे जेएन को, बट यहाँ पे इतनी देर में बैंडेट एसएसजी के दूसरी को पिक ऑफ कर लिया, जो अकेले बचे हुए थे यहाँ पे टीम के लिए। अब देखिए चार टीम सात प्लेयर यहाँ पे, तीन पे तो हमारे शेयर बचे हैं, क्या ये राउंड निकाल पाएंगे, क्योंकि सर्कल अभी भी उनके पे मेहरबान है। हल्की सी मूवमेंट, हल्की सी स्किल, तो अभी देखिए चार टीम है, तीन तो यहाँ पर है, तो बाकी बचे चार प्लेयर और बाकी तीन टीम से बटेंगे। वाइपर यहाँ नॉकआउट हो चुके सिक्स से, वाइपर को मेक श्योर करना पड़ेगा रिवाइव करे, और लेटर सर्कल के अंदर अगर तीनों के तीनों प्लेयर जाते हैं जिन्होंने उन्होंने यहाँ पे पूरी जर्नी स्टार्ट की थी, वाइपर अफसोस यहाँ पे बट की गेम खत्म हुई। आरआरक्यू डी2 यहाँ पे थोड़ा दिमाग से खेलते हुए वो फाइट के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। एंड एक्सक्यूएफ और जो भी उनके साथ जो टॉप टीम्स हैं, जो कि हमारी हमारी जो और भी जो फेलो टीममेट्स हैं उनके जो सेकंड पोजीशन में थर्ड पे फोर्थ पे, वो आरआरक्यू डी2 अपने लिए सर्वाइवल पॉइंट्स निकालते हैं, बट सोल के यहाँ पे रौनक एंड ओवेस बचे हुए हैं जो यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि इस बार चिकन निकाले जरूर। एंड एसएससी सिक्सर्स मेरे ख्याल से अपनी टीम के एक जेम प्लेयर है बिकॉज हमेशा वो फाइनल सर्कल में
अपनी टीम को किल दिलाते हैं, सर्वाइवल पॉइंट दिलाते हैं, इस बार भी वो टॉप फोर तक तो लेके चले ही गए। बट एसएसजी सिक्सलेस अभी अभी रोटेट करें, शैक से निकले और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा टीपीपी लेकर इन्फो कलेक्ट कर सके। नोवा के पास काफी अच्छा रिज है, वो रिज के आराम से इंजॉय कर रहे हैं और ज्यादा देर उस गेम को सर्वाइव भी कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे नेड मारा, क्या यहाँ अच्छा ग्रेनेड है ये, नेड को किया बिल्कुल टाइम मारा और यहाँ पे एक कंटेंडर को गेम से बाहर किया, टॉप थ्री के अंदर आ चुके हैं। क्या अब चिकन डिनर आ पाएगा, क्योंकि D2 अकेले बचे आर आर क्यू के और काफी देर से टिके हुए हैं, उन्होंने काफी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकला था। D2E पे काफी प्रेशर हो सकता है, राइट से सोल एंटर कर रही है, सोल को देखना पड़ेगा कि D2E अभी भी है। बट यहाँ पे ओके देन ये D2E यहाँ पे D2E का सफर खत्म होता है, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे चोक करें, रोना यहाँ पे प्ले जोन से नॉकडाउन होता है, पता नहीं वो शायद से लेट जोन के अंदर मूव कर रहा है। अब यहाँ पे 1v2 फाइट है, वो इसको यहाँ पे स्पॉट कर लेता अनफॉर्चुनेट, बट एनीवेज यहाँ पे नोवा स्पोर्ट्स गॉट द चिकन डिनर बट सोल गॉट द सेकंड पोजीशन एंड यहाँ पे 22 पॉइंट्स यहाँ पे पोजीशन के निकाल के एंड किल्स के भी निकाले हैं। बट जो यहाँ पे फेक ग्रेनेड ओवेस ने यूज करे एंड आखिरी में जो उसने जो कवर फायर किया।